हमारे साथ में मथुरा से मौजूदा सांसद और बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी जी हैं। मैम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे थे और जिसमें आपको लेकर जिस तरीके से विपक्षी नेता और खास करके कांग्रेस के नेताओं की तरफ से टिप्पणी आई, पुरजोर तरीके से उनका जवाब दिया मुख्यमंत्री ने और आपका बहुत तेजी से यहाँ पर सपोर्ट भी किया, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नेता इतने स्ट्रांग है, इतने समझदार हैं कि उन्होंने जो विपक्ष के लोगों ने जो भी कहा उसका उन्होंने क्लैरिफाई किया। एंड मातृशक्ति कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे भारतीय जनता पार्टी कितना महिलाओं का सम्मान देती है इसके विषय में बताए। हमारे दूसरे पार्टी वाले सबको सीखना चाहिए हमारे पार्टी से इस विषय को। मैम, जब आपकी स्पीच यहाँ पर चल रही थी तो सबसे ज़्यादा जो है जनता ने ताली बजाए यमुना की सफाई को लेकर, जैसे ही यमुना का आपने जिक्र किया तो सबसे ज़्यादा लोगों ने ताली बजाए। हाँ जी, क्योंकि वो बहुत सालों से इससे गुजर रहे हैं कि ये गंदा पानी आ रहा है ना यमुना में। यमुना इज सच ए ब्यूटीफुल रिवर, तो मेरा तो एकदम मन किया, कल भी मैंने यमुना का पूजा करके ही यहाँ पर नामांकन के लिए मैं आई हूँ। सो वी ऑल प्रे फॉर दिस, यमुना के लिए हम चाहते हैं शुद्ध हो जाए। ये दिल्ली से आ रहा है ये पानी, तो दिल्ली सरकार में जाकर थोड़ा दबाव डालेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जयंत चौधरी आपके पास में आए हैं, बीजेपी के सपोर्ट में हैं। पहली बार आप चुनाव लड़ी थी 2014 में, तो 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जयंत चौधरी को आपने हराया। हाँ जी, उस वक्त डेफिनेटली दैट टाइम उस वक्त हराया था उससे, लेकिन उससे पहले मैंने वो जो हमारे साथी थे उनको मैंने उनका समर्थन में मैंने जाकर कैंपेन भी किया। अभी नाउ टुडे दिस टाइम ही इज विद अस, तो कभी वहाँ कभी यहाँ, कभी अलग हो जाते हैं कभी फिर मिल जाते हैं, बट इट इज वेरी नाइस, अच्छी बात है कि वो हमारे साथ है आज। मैम, हालांकि पॉलिटिक्स में आप तो कई सालों से हैं, 2004 में ज्वाइन किया था, 1999 में आप विनोद खन्ना जी के चुनाव प्रचार में गुरदासपुर पहुंची थी जिसमें आपने वहां पे कुछ डायलॉग मारे थे और इसके बाद बहुत तेजी से लोगों ने शोर भी मचाया था, उत्साह भी था वहां पे और बहुत मजबूत तरीके से वहां पर विनोद खन्ना जी की जीत भी हुई थी। 2014 और 2024 उसमें अब क्या फ़र्क मानती हैं आपकी पॉलिटिक्स में? बहुत बदलाव आया, हमारी पार्टी जो है कहाँ से कहाँ अभी पहुँच गया है। तो मैं बहुत साल पहले से इस पार्टी के साथ जुड़ी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमारी पार्टी देश का सबसे बड़ी पार्टी है ये। और इसमें उसमें कितने लोगों का परिश्रम है, कितने लोगों ने तप किया है, तब जाके ये पार्टी आज इतनी बड़ी है। और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े सिंसियर लीडर लोगों का साथ है, स्पेशली आई विल टॉक अबाउट सो मेनी ऑफ देम एवरीबडी अभी। लेकिन मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने पूरा चेंज कराया, पूरा कैसे पूरा जनता पूरे देश के लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके इस पार्टी को ऊपर लेकर आए हैं, जिसमें नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, ऐसे बड़े बड़े नेता जो सिंसियरली दे आर वर्किंग फॉर द पार्टी। सो ऐसा जुड़ के रहना प्लस कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, ऐसा और कोई पार्टी नहीं कर सकता। छोटा सा आखिरी सवाल, मथुरा से अगर आपने टिकट को लेकर कई बार जिक्र भी किया था, मथुरा से ज्यादा आपका लगाव था इसलिए आप चाह रही थी कि मथुरा से तीसरी बार चुनाव आप लड़े? आपका काम बहुत है, वो काम खत्म करके देन आई हैव टू टेक रेस्ट, आई हैव टू स्टार्ट इट एंड देन आई विल डू सच अ वंडरफुल वर्क जिससे समबडी एल्स लेटर ऑन शुड कैरी ऑन, उसको स्टॉप ना करे, रुके नहीं, क्योंकि बहुत करोड़ों का प्रोजेक्ट्स में लेकर आई हूँ, तो वो रुके नहीं, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, मथुरा, न्यूज 18 इंडिया।